अब हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी को तो अपना लिया गया, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ, उससे क्या रिजल्ट हुए, अच्छा था कि बुरा था, ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम चीज़ें तो इसकी सिर्फ नेगेटिव ही रहा। तो इसमें जब देखा जाए तो नेगेटिव में क्या जाएगा कि सबसे पहले की जो उसकी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, क्योंकि पहले वो सब कुछ राज्य करता था, सारी चीज़ें राज्य डिसाइड करता था, पर अब सब कुछ निजी हाथों को करना था, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो खत्म हो गई थी। इसके अलावा क्या था कि 90% से ज़्यादा जितने भी उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, वो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में देना पड़ा था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो थे उनका निजीकरण किया गया, उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को ख़त्म किया गया और निजी हाथों को आगे बढ़ाया गया, जहां पर लाभ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रॉफिट इज मेन मोटिव फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्थिक ढांचा था उसमें जो बाजार की ताकतें थीं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। पहले क्योंकि आप जानते हैं पूंजीवाद में बाजार सब कुछ डिसाइड करता है कि आप कीमत होगी, क्या उत्पादन होगा, कितनी आपूर्ति होगी, कितने रेट पे उसको बेचा जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा, सब कुछ ये मार्केट डिसाइड करता है। क्योंकि अब सोवियत संघ जो है वो अपनी पहचान खो चुका है साम्यवादी होने की, तो रूस के अंदर अब जो पूंजीवाद है उस पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए निजी हाथों को बढ़ाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस टाइम पे क्या हुआ कि जितनी भी आर्थिक ढांचा था वो कमज़ोर हो गया। साथ में क्या था कि जितने भी मैक्सिमम चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को बहुत कम कीमतों में उनको प्राइवेट हाथों में बेचा गया, क्योंकि खरीदने के लिए कोई तैयार था ही नहीं उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें थी। तो क्योंकि साम्यवाद था तो साम्यवाद में सब कुछ स्टेट के हाथ में होता है, तो स्टेट के हाथ से पहुँचा के उसे निजी हाथों में बुलाने के लिए इतने कम प्राइस पे उस चीज़ों को बेचा गया, इंडस्ट्रीज को बेचा गया, वस्तुओं को बेचा गया, जिसकी वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड लोगों के बीच में थी नहीं, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया कि प्राइस को कम कर दिया गया। अब प्राइस को कम करने के लिए लोगों ने क्या किया कि उसको बहुत सस्ते दामों में बेचा, जिसकी वजह से सेल लग जाती है। आपने सुना होगा ना सेल लगी हुई है, इसका मतलब कि सस्ते प्राइस पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो सेल को इसको बोला गया कि सबसे बड़ी गैराज सेल है इतिहास में, मतलब कि द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। इसका मतलब था कि इतने सस्ते में इन लोगों को बोल दिया गया है, सस्ते में इतना सस्ते में इंडस्ट्रीज को बेचा गया, जिसकी वजह से लोगों को जो कीमतें थी बहुत कम हो गई, और इसी को ही लोगों ने सेल कहा कि हाँ सेल लगी हुई है। जैसे कि किसी भी मार्ट में लगा होता है, कोई भी आप जाओगे बिग बाजार है या फिर कोई भी जैसे मॉल होता है, तो मॉल में भी सेल लगी होती है एक के साथ एक फ्री वाला। तो वही चीज़ इसमें हुई थी कि 90% जो भी निजी उद्योग थे उन सबको बेचने के चक्कर में बहुत लॉस खाना पड़ा था। इसके अलावा साथ में जो पांचवा था रीज़न, इससे क्या हुआ कि जो रूबल था, रूबल क्या है एक्चुअली कि रूस की करेंसी है, जैसे इंडिया की रुपया है वैसे रूस की रूबल है। तो रूबल के जो पैसा मूल्य था, जो उसकी वैल्यू थी, बहुत कम हो गई, एकदम से गिर गई। जैसे हमारा आज का एक, अगर हम लोग एक डॉलर देंगे, अगर हमें एक डॉलर चाहिए तो हमें लगभग 70 रुपये देने पड़ते हैं। उसी टाइम पर क्या हुआ कि एक रूबल के लिए बहुत पैसे हम लोगों को, बहुत कम पैसे भी देंगे तो भी चल जाता था सारा कुछ। इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो खाने की चीज़ें हैं या फिर जो बाकी चीज़ें हैं हमारे, जो इम्पोर्टेंट हमारी जो यूज़ करने की चीज़ें हैं, उन सब का प्राइस कितना बढ़ रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिससे क्या हुआ कि जो खाने की चीज़ें थी हमारी फूड सिक्योरिटी, रशिया की फूड सिक्योरिटी बहुत हार्म उस पर अटैक हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले सारा कुछ गवर्नमेंट करती थी, कितना आपको खाना देना है, सारा खाना पीना, आपका रहना, सब कुछ गवर्नमेंट करती थी। पर अब क्या हुआ कि अब आपको खुद करना है, खुद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे पहले तो लोगों ने पैसे कमाए भी नहीं थे, क्योंकि सब कुछ तो राज्य के हाथों में था। इस वजह से लोगों ने क्या किया कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होने की वजह से कुछ इतना सेविंग भी नहीं करी। अब जब उनके पास सेविंग नहीं थी तो फिर लोगों को वो कहाँ से खरीदें, क्योंकि अब तो प्राइवेट हाथों में है, अब प्राइवेट हाथों में तो उनके पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेंगे खाने की चीज़ें। इससे लोगों में बहुत प्रॉब्लम बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ गई। साथ में क्या हुआ कि एक निजीकरण की वजह से क्या हुआ, क्योंकि निजीकरण में आ गया, और निजीकरण के मतलब होता है कि निजी हाथों में सारा कुछ करना, और उनका मेन मोटिव होता है उनको प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट के चक्कर में क्या हुआ कि जो अमीर और अमीर होता गया, और जो गरीब इंसान था वो और गरीब हो गया। तो दोनों के बीच में क्या था कि डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो समानताएं असमानताएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ में क्या हुआ कि माफिया वर्ग हुआ। माफिया वर्ग वो होता है जो बिचौलिया होते हैं, मतलब कि माफिया एक्चुअली वो होते हैं जो किसी चीज़ का स्टॉक करके रखते हैं अपने पास में, और जब कमी होती है किसी चीज़ की तो उसको हाईली प्राइस पे उसको बेचते हैं जाके, जिसे हम कालाबाजारी कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो खाद्यान्न का, खाने पीने की जो चीज़ें थी, उन सब का इन्होंने माफिया वर्ग ने पहले से उसको
संभाल के रखा हुआ था, और जब उनको पता चला कि लोगों को कमी है तो उन्होंने बहुत हाई प्राइस पे उनको बेचना शुरू किया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा माफिया क्लास उभर के आई। साथ में इसमें क्या होता था कि क्योंकि साम्यवाद अब लोकतंत्र को अपनाया गया था, और लोकतंत्र का एक मेन फीचर है संसद का होना, जहाँ पर संसद में लोग इलेक्ट करके हम लोग भेजते हैं। लेकिन क्या हुआ कि संसद की शक्ति को बहुत कम कर दिया गया सोवियत संघ में। वहाँ पे जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, और जो संसद थी, संसद को और भी कमज़ोर बना दिया गया। भले राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है, लेकिन राष्ट्रपति के पास और एक्स्ट्रा शक्ति दे दी लोकसभा राज्यसभा के कंपैरिजन में। साथ में क्या हुआ कि वहाँ के जो बैंक और वित्तीय संस्थान थे उन सब में भी दिवालिया हो गया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उन सब ने कहा कि हम अपने लोन किसी को चुका नहीं सकते, किसी ने हमें दिया है तो हम बैंकक्रप्ट हैं भाई, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी अपने हाथ खड़े करके जा चुके थे। एक तरह से इतना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि शॉक थेरेपी कहीं ना कहीं असफल रही। जो उसका मेन मोटिव था उस मोटिव को पूरा ही नहीं कर पाई।